40 की उम्र में कुंवारी घर बैठी हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस एज। शादी के इस सीजन में भी नहीं होंगे हाथ पीले। बॉलीवुड में इस वक्त शादी का जोरदार सीजन चल रहा है। जिन स्टार्स के शादी करने की उम्मीद तक नहीं थी वे भी अपनी शादी की तारीख का ऐलान कर चुके हैं। हाल ही में बॉलीवुड की दो टॉप एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण ने सही समय और उम्र पर शादी कर ली है। लेकिन बॉलीवुड की ये तीन एक्ट्रेस 40 साल की उम्र से पार होने के बाद भी घर में कुंवारी बैठी हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे एक्ट्रेस अमीषा पटेल की। अमीषा ने साल 2000 में मेगा ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में एंट्री की थी। इसके बाद साल 2000 में ही अमीषा तेलुगु फिल्म बद्री में भी नजर आई थी। लेकिन साल 2001 में अमीषा ने एक बार फिर गदर जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। अमीषा ने बॉलीवुड के साथ साथ तेलुगु और तमिल सिनेमा में भी काम किया है। बता दें कि अमीषा पटेल का जन्म 9 जून 1976 को मुंबई में हुआ था। अमीषा अपने 18 साल के फिल्मी करियर में अब तक 33 फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। बता दें कि अमीषा अपनी बोल्ड तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के चलते अक्सर ट्रोल होती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह 42 साल की होने के बाद भी घर बैठी हुई हैं और अभी इस साल भी उनके शादी करने की कोई उम्मीद नहीं है। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस तबुसम फातिमा हाशमी यानी कि तबू का आता है। तबू का जन्म 4 नवंबर 1971 को देश के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था। साल 1994 में फिल्म विजयपथ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस तबू आज भी फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्हें हाल ही में फिल्म गोलमाल अगेन में देखा गया था। तबू अपने 25 साल के फिल्मी करियर में अब तक 22 फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तबू की उम्र 46 साल हो रही है लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। हालांकि साउथ फिल्म के एक्टर नागार्जुन के साथ उनका नाम जोड़ा गया था। आखिर में बात करेंगे पूर्व विश्व सुंदरी सुष्मिता सेन की, जिन्होंने साल 1996 में फिल्म दस्तक से बॉलीवुड में दस्तक दी थी। सुष्मिता सेन ने अपने 22 साल के बॉलीवुड सफर में 35 फिल्मों में जबरदस्त अभिनय किया है। उन्हें कई फिल्मों में बतौर साइड एक्ट्रेस भी देखा गया है जिनमें भी वे लीड एक्ट्रेस से कम नहीं रही। बता दें कि सुष्मिता का जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में हुआ था। इस हिसाब से उनकी उम्र 42 साल की है लेकिन उन्होंने भी अभी तक शादी नहीं की है। हालांकि उनका नाम पाक क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ जुड़ा था, लेकिन हाल ही में दिवाली के मौके पर वे एक कश्मीरी मॉडल रोमन शॉल के साथ दिखी थी और उनके साथ एयरपोर्ट पर भी स्पॉट हुई थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह भी जल्द शादी करने की फिराक में है।